हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ, एक सेकेंड ना, आज जो रीडिंग कर रही हूँ वो आपके पार्टनर की फीलिंग्स के लिए है, जिसमें हम देखेंगे वो आज आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। एक मिनट। हाँ, आप लोग स्किप कर सकते हो वीडियो, ठीक है, मीन्स फॉरवर्ड कर सकते हो। मैं एक्चुअली कैंडल ढूंढ रही थी, मुझे उसमें टाइम लग गया। आज आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके लिए वो देखेंगे। आपको अपने पार्टनर का ध्यान करना है, ठीक है, अपने पार्टनर का ध्यान करो ताकि मैं उनकी एनर्जीज चेक कर सकूं। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, इनके पार्टनर के एनर्जीज के बारे में, इनके पार्टनर इनको लेकर क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि आपको लेकर, देखो, सोच जरूर रहे हैं, ये जरूर है कि सोच विचार है, बट बहुत स्लो चल रहे हैं आपके साथ, बहुत स्लो, मतलब धीरे धीरे चीज़ें बेहतर कर रहे हैं, धीरे धीरे चीज़ों को लेकर ठीक करने की कोशिश है। क्योंकि ऐसा लग रहा है ये व्यक्ति आपके साथ इमोशनली इन्वॉल्व है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं खुद को। इन्होंने अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करके रखा है, टाइटली होल्ड करते हैं ना, ऐसे टाइटली होल्ड करके रखा है कि आपको लाइक रियलाइज नहीं करवाना चाहते कि ये आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। बट इनके मन में ना आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपके बारे में बहुत लोगों से बातें भी करते हैं, आपके रिलेटेड ये दूसरों से डिस्कस करते हैं, आपके साथ बिताया हुआ कोई लम्हा या मोमेंट का जिक्र बहुत होता है, बहुत ज़्यादा, कि भाई लाइक आप थे तो चीज़ें कितनी बेटर थी और आप किस तरीके से चीज़ों को संभालते थे। क्लियरली आप डेफिनेटली उनकी लाइफ में नहीं हो, ऐसा ही दिख रहा है। अगर आप इनकी लाइफ में हो तो हो सकता है कि भले ही आपसे नाराज है या कोई गैप वैप है, बातचीत नहीं होती, लेकिन स्टिल ये आपके बारे में अपने दोस्तों से या अपने आसपास के लोगों से अच्छा बोलते हैं। क्लियरली लग रहा है आप उनके बातों में शामिल हो, गॉसिप में शामिल हो। ये व्यक्ति आपके बारे में यही डिस्कस कर रहे हैं कि आप किस तरीके से चीज़ें संभालते थे, और आपके होते हुए कभी ये परेशान नहीं हुए, प्रॉब्लम कभी फील नहीं हुई, कभी भी इन्होंने स्ट्रेस नहीं लिया, क्योंकि आप इनके स्ट्रेस लेने से पहले ही चीज़ों को बहुत अच्छे से बैलेंस कर लेते, संभाल लेते। जहाँ इनकी चिंता बढ़ती वहाँ पर आप खुद ही चीज़ों को ठीक करना शुरू कर देते। प्लस आई डोंट नो व्हाई मुझे खाने की एनर्जी दिख रही है, या तो आप खाना बहुत अच्छा बनाते हो ये उसकी तारीफ करते हैं, या क्लियरली दिख रहा है कि आप दोनों शायद कोई एक पर्टिकुलर प्लेस पे खाना बहुत खाते थे, तो वो एक खाने की एनर्जी ज़्यादा है कि वो खाना बहुत स्वादिष्ट होता था, क्योंकि खाने के जिक्र भी वहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये अपने उन लोगों से खाने का जिक्र भी कर रहे हैं कि भाई ये फलाना पर्सन ना ये खाना बहुत अच्छा बनाता था, या ये पर्टिकुलर जगह पे ना हम लोग खाना खाते थे जहाँ पे बहुत मज़ा आता था। ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत बातें करते हैं क्लियरली, और बहुत पॉजिटिव टच है, बहुत पॉजिटिव, ये आपको समझते हैं। और इनके डिस्कशन में ये भी दिख रहा है कि क्लियरली ये लोगों को बताते हैं कि यार कम्प्लीटली आपकी मिस्टेक नहीं थी, या कम्प्लीटली आपकी तरफ से सारे फॉल्ट्स नहीं थे, यानी कि कुछ तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई और हालात भी कुछ ऐसे थे, सिचुएशंस ऐसी थी जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में चीज़ें बिगड़ गई। यानी कि ये व्यक्ति आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भले आप नहीं हो लेकिन आपके बारे में सब अच्छा बोल रहे हैं, आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपको वैल्यू कर रहे हैं, और लोगों की नज़र में ना आपको बहुत लाइक अब बोलते ना एक अप लेवल पे ले जाना, लोगों की नज़र में आपको बहुत हायर एनर्जी में लेकर जा रहे हैं, बहुत इज्जत देने वाले, बोलते ना लोग आपकी इज्जत करें वैसी एनर्जी है। देयर आर चांसेस, पता नहीं क्यों मुझे बार बार वर्किंग एनर्जी दिख रही है, तो है पॉसिबिलिटी कि शायद आप दोनों एक वर्क प्लेस पे रहे हैं, तो ये अपने कलीग से शायद आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छे से काम संभालते थे, या आप शायद एक घर में रह चुके हैं तो लाइक अपने आस पड़ोस में या फैमिली से बता रहे हैं कि यार ये बंदी या ये बंदा जब तक मेरी जिंदगी में था इसने बहुत अच्छे से चीज़ों को हैंडल किया है। क्योंकि क्लियरली आप इनके लाइफ में ना कोई ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट कर चुके हो जिसमें आपने इनको दिखाया है कि भाई आप चीज़ों को बहुत स्मूथली लाइक अभी ना एहसास भी नहीं होने देते हो और चीज़ों को बहुत प्यार से हैंडल कर लेते हो। आपको मतलब बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है, अब लेट्स से इनको बहुत लाखों की प्रॉब्लम्स आ गई हैं, लाखों की इनको नीड है पैसों की, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप इमोशनली भी इनको इनके लिए अवेलेबल रहे होंगे, लेकिन लेट्स से कि लाखों की इनको नीड पड़ गई, 10 लाख, 12 लाख, 20 लाख कुछ रिक्वायर्ड है, जो चीज़ को लेकर ये परेशान थे, यहाँ वहाँ लोन ले रहे थे, वो उनको आसानी से मिल नहीं रहा था, लेकिन वही
10 लाख जब आपको मतलब पता चला तो आपने हंसते हंसते इनको दे दिया, भले वो 10 लाख जमा करने में आपको बहुत समय लगा, लेकिन आपने बहुत स्मूथली उन चीज़ों को मैनेज कर दिया। आपने उनको स्ट्रेस नहीं लेने दिया कि भाई अरे मैं क्या, अब देखो क्या, आप मतलब हाथ पे हाथ धरे नहीं रह गए, आप इनकी एफर्ट डालते या इनके रिलेटेड दूसरों से बात करना शुरू करते थे, जॉब को लेकर दिक्कत आती तो जॉब दिलाने में हेल्प करते, या ये कहीं ना कहीं आपको ये बहुत ऐसा मानते हैं कि आप कॉपरेट करते थे, आप बहुत सपोर्ट करते थे इनको। कैप्रिकॉन यानी कि मकर एनर्जी, मिथुन एनर्जी, वृषभ और तुला एनर्जी और कुंभ एनर्जी मुझे अब तक ज्यादा मिली है। आपके पार्टनर की एनर्जी में ठहराव ज्यादा है, मुझे क्लियरली दिख रहा है ये व्यक्ति कोई एक्शन तो नहीं ले रहे हैं, करेंटली कोई एक्शन नहीं है, बट ये आपके बारे में बहुत बातें करते हैं, ये आपके बारे में सोचते भी बहुत है। मैं ये नहीं बोलूंगी ये व्यक्ति आपको मिस कर रहे हैं, फ्रेंकली स्पीकिंग ये पता है वैसी फीलिंग है जिसमें मैं बोलूंगी कि इस इंसान के मन में आप बसे हो, तो ये इंसान को मिस करने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी इनके साथ हो, भले आप दोनों कांटेक्ट में नहीं हो लेकिन आप लोग दोनों का कनेक्शन इतना स्ट्रांग है कि आप दोनों भले एक दूसरे के साथ नहीं हो लेकिन स्टिल आप दोनों एक दूसरे को अपने पास महसूस कर सकते हो, इतना पावर है आप दोनों में। तो ये आपके मन से ना, आपको अपने मन में ऐसे रख कर बैठे हैं, आपसे ऐसे जुड़े हैं ना कि कहीं ना कहीं आप चाहे कितना भी अलग हो जाए या चाहे आप लोग दोनों के बीच में कितने डिफरेंसेस आ जाए, कोई तीसरा आ जाए, चौथा आ जाए, लेकिन आप दोनों ना एक दूसरे को प्यार करना बंद नहीं करते। आप दोनों के बीच में ना एक बहुत ही स्पिरिचुअल बॉन्ड है और ये स्पिरिचुअल बॉन्ड इतना स्ट्रांग है जिसमें लाइक आपके पार्टनर ऐसा फील करते कि इतना स्ट्रांग बॉन्ड कनेक्शन इन्होंने किसी के लिए इतना इंटेंस फील नहीं किया। ये लव नहीं है, इनको लगता है ये बियॉन्ड लव है, ये लव के भी ऊपर वाली पदवी है जिसमें ये व्यक्ति ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं कि कभी जैसे आप इनकी माँ बन जाते हो तो कभी आप इनके बाप बन जाते हो। आप एक फादर की तरह प्रोटेक्ट भी करते हो, एक माँ की तरह केयर भी करते हो, आप एक भाई की तरह बोलते हैं ना कि साथ भी देते हो, जहाँ पर भी ये परेशान होते हैं तो आप बोलते हैं ना उस एनर्जी में इनको मोटिवेट कर देते हो, आप एक बहन की तरह इनको बोलते ना जो एक कंफर्ट देना है, जो बातें शेयर करनी है वो दे देते हो, एक बेस्ट फ्रेंड भी बनते हो, आप इनकी फैमिली हो, फ्रैंकली स्पीकिंग अगर कहा जाए तो आप इनका वर्ल्ड हो, आप इनकी दुनिया हो, ये आपसे बहुत कनेक्टेड है, ये आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, आपको वैल्यू करते हैं, आपको प्रायोरिटाइज करते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में चाहे इन रियल वर्ल्ड, इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड, भले ही आपको दिखाते नहीं हैं कि आपका वजूद क्या है, भले इन इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड भले हो सकता है कि इनके एक्शंस ऐसे नहीं रहे हैं, पर डीप इनसाइड इस इंसान ने आपको बहुत अप्रिशिएट किया है कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए। और इन्हें कहीं ना कहीं एक लक फैक्टर आपके साथ ज़रूर जुड़ा हुआ दिखता है, इनको लगता है कि भगवान ने ना आपको बहुत मतलब बोलते हैं ना साथ दिया है, क्योंकि आप एक बहुत प्योर सोल हो तो हमेशा भगवान जो है ना आपकी सुनते जल्दी हैं, ऐसा इनको फील होता है। यानी कि इनको ऐसा लगता है आप इनके लिए बहुत लकी हो, अगर ये आपको सोच कर या आपसे कोई डिस्कस करके काम करते हैं तो इनके उन कामों में इनको प्रॉफिट या बेनिफिट बहुत होता है, बहुत ज़्यादा ये लाभ हासिल करते हैं, पर जब कभी आपसे डिस्टेंस में आए हैं ना इनने उतना ही लॉस भी फेस करना पड़ा है। तो इनको लगता है इनकी ज़िंदगी में जो फाइनेंशियल गेन्स आते हैं या इनकी ज़िंदगी में जो हैप्पीनेस क्रिएट होती है वो मेनी टाइम आपकी वजह से होती है। आई डोंट नो व्हाई मुझे बेबी दिख रहा है, तो या तो ये व्यक्ति आपके साथ एक प्रेगनेंसी कभी इमेजिन करते हैं कि प्रेगनेंसी वगैरह होगी तो कैसा रहेगा, या आपको प्रेग्नेंट देखना चाहते हैं, आई डोंट नो वाई मुझे प्रेगनेंसी की एनर्जी दिख रही है, या मे बी आपने ऑलरेडी कंसीव किया है, आई डोंट नो मुझे प्रेगनेंसी की एनर्जी दिख रही है, या हो सकता है आप एक मैटरनल लीव पे हैं, आप दोनों मिल नहीं पा रहे, ऐसा हो सकता है, आई डोंट नो क्यों मुझे प्रेगनेंसी दिख रही है, हो सकता है इनके आसपास कोई प्रेग्नेंट है इसलिए भी हो सकता है मुझे दिख रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी में बहुत लव है अभी इस वक्त आपके लिए, बहुत एक गिविंग एनर्जी है जहाँ पर ये आपको लेकर बहुत स्ट्रांग रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं, और लिटरली जब ये आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उन्हें खुद भी ऐसा लग रहा है कि कितनी बार ऐसी स्थिति बनी जहाँ पर लाइक कोई उनके साथ इतना काइंड या हेल्पफुल नहीं रहा जितना आप रहे। और आपके पार्टनर ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये बहुत टफ पर्सन रहे हैं आपके साथ, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टू हैंडल वाली पर्सनैलिटी, इनको गुस्सा जल्दी आ जाता है, चिड़चिड़ापन आता है, या ये बहुत जल्दी आपको आपके ऊपर हावी हो जाते हैं, कई बार गलती करके आप ही के ऊपर गलती डाल देते हैं, बट स्टिल इन्हें लगता है कि आप चीज़ों को फिर भी बहुत जल्दी फॉरगिव करके, माफ़ करके चीज़ों को ठीक करना शुरू कर देते हैं।
आप उस चीज़ को पकड़ कर नहीं रखते, आप उनको परेशान नहीं करते, आप उस चीज़ को लेट गो कर देते हो कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, हुआ है फिर से शुरू करते हैं। लाइक बातों को पकड़ कर रखना आदत नहीं है। हाँ लेकिन ये आपको इनसिक्योर बहुत मानते हैं, इनको लगता है आप बहुत जल्दी जलस हो जाते हो अगर ये किसी भी तीसरे चौथे व्यक्ति से ज़्यादा बात करते हैं। इनको लगता है कि आप, इन्हें ये अच्छा भी लगता है, क्लियरली आपके पार्टनर को ये बातें पसंद भी हैं, इनको ये क्लियरली दिखता है कि आप जो है बहुत जल्दी जलस हो जाते हैं अगर कोई भी व्यक्ति इनके आसपास आता है या किसी व्यक्ति को ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। उस टाइम पे आप मैच्योर नहीं रहते, उस टाइम पे आप में एक बचपना आ ही जाता है, आप बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको एक किताब जैसा फील करते हैं, इन्हें लगता है कि आप एक किताब जैसे हैं जिसके पन्ने जो है ये मतलब जितने हो पढ़ते जाएं पर ये किताब जल्दी पूरी नहीं होगी, ये किताब बहुत मोटी किताब है, यानी कि आपके बारे में जितना जाना जाए उतना कम है। आपके पार्टनर की एनर्जी में एक स्टिकी एनर्जी बन रही है, यहाँ पर स्टिकी एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके पार्टनर आपको कुछ भी हो जाए छोड़ना नहीं चाहते, ये नहीं चाहते कि आप इनको छोड़कर चले जाएं या ऐसा एक वक्त ये देखे जिसमें आप दोनों अलग हो जाएं। आप लोग डेफिनेटली एक ऐसी स्थिति से गुजर रहे हो जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हैं, लेकिन ये आपको ज़िंदगी भर याद रखना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी भर प्यार करना चाहते हैं, ज़िंदगी भर आपको अपने मन में अपने दिल में रखना चाहते हैं। क्लियरली ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति आपको कभी अपनी ज़िंदगी में छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि आप इनकी दुनिया हो तो ये आपको नहीं छोड़ सकते। आप भले इनको छोड़ दो, ऐसा इनका थॉट है कि भाई ये इंसान भले मुझे छोड़ दे पर मैं इस इंसान के साथ प्यार करूँगा, ऐसे बहुत लव रख अपने मन में इसके लिए बहुत लव रखूँगा या रखूँगी, चाहे नो मैटर वॉट हम दोनों के बीच में कितनी डिफ़िकल्टीज क्यों ना हुई हो, कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों ना हुई हो, कितने प्रॉब्लम्स क्यों ना आए हो, लेकिन हम प्यार ज़रूर रखेंगे मन में। आई कैन सी ये व्यक्ति आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे, मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग ही कहा था मुझे ऐसा नहीं लगता ये व्यक्ति प्यार नहीं करते। क्लियरली दिख रहा है ये व्यक्ति बहुत स्लो है। स्लो मैंने क्यों कहा, क्योंकि ये व्यक्ति आपके बारे में बहुत अच्छा सोचना शुरू कर चुके हैं पर ये व्यक्ति इमोशनली एक्सप्रेस नहीं कर रहे। अगर ये सारी बातें जो ये दूसरों से डिस्कस कर रहे हैं ये आपसे डिस्कस करें तो पता नहीं आप इनके लिए क्या क्या ना कर गुजरें। यानी कि होता ना कि एक आप इनके लिए तो इस पूरी जहान दे दें, आप इनकी सारी शर्तें मान लें, बट प्रॉब्लम यही है कि ये व्यक्ति आपको एक्सप्रेस नहीं करते। आपको बोलने की जगह 10 दूसरे लोगों को बता रहे हैं कि आप इनके लिए क्या हो, आप इनके लिए कितने महत्व रखते हो। कहीं ना कहीं क्लियरली ये लोगों से आपसे आपके बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन इमोशनली जब आपको एक्सप्रेस करने की बात आती है, ये कंफर्ट जोन अगर ये आप बातें बता देना तो आप बहुत कंफर्टेबल हो जाएं अपनी लाइफ में, शायद फिर आपको कभी स्ट्रेस ही ना हो इस इंसान के खोने का। आपको ये लगे ही नहीं कि यार इस इंसान के साथ किसी बंधन में शादी वादी करके कहीं सेटल होना है, आपको लगे नहीं यार ये इंसान मुझसे बहुत प्यार करता है उतना काफ़ी है भाई। एक बोलते ना कम्फर्ट जोन नहीं दे पाते आपके पार्टनर, आपके पार्टनर आपके लिए बहुत रोमांस फील करते हैं, बहुत लव, इनको अपनी ज़िंदगी में अगर बहुत ट्रू लव का एहसास हुआ है तो वो सिर्फ आपसे हुआ है, क्योंकि क्लियरली मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपके साथ बहुत ट्रू लव में है, इंटेंस लव में है। ये व्यक्ति आपको अपना सोलमेट बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं, 666 की एनर्जी है, डेफिनेटली ये आपको एक मैरिज मटेरियल भी मानते हैं और देर आर चांसेस के इन फ्यूचर इस व्यक्ति से आपकी मैरिज हो सकती है, बिकॉज 666 का एनर्जी है लग्जरी अबंडेंस मैरिज, बहुत स्ट्रांग चांसेस है लग्जरी यहाँ पर ग्रोथ। इस व्यक्ति के साथ आप एक बहुत बेहतरीन रोमांटिक लाइफ जिएंगे। आप दोनों के बीच में डेफिनेटली अप एंड डाउन है बट मई मंथ के एग्जैक्टली मुझे आफ्टर मई मंथ के फर्स्ट के बाद ही क्लियरली दिख रहा है कि आपके लाइफ में इस व्यक्ति के साथ बहुत ज़्यादा एक बहुत ही बेटर लाइफ आप रिसीव करने वाले हैं, इनके साथ बहुत हैप्पीएस्ट लाइफ को एक्सपीरियंस करेंगे। बट यस मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति इस वक्त आपको इमोशनली बहुत एक्सप्रेस करने से दूर भाग रहे हैं, इमोशनली अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि इनको लग रहा है कि ये अब आपको ये बातें नहीं बता सकते, इन्हें लग रहा है कि ये चीज़ें बोलने के लिए बहुत लेट हो गई हैं, अब ये सब चीज़ें बोल के कोई मतलब नहीं है। आप लोग दोनों के बीच में कुछ ऐसी घटनाएं ज़रूर घटित हुई हैं जिससे ये आपको अब एक्सप्रेस कर नहीं पाएंगे, बट ये सी आप पे ध्यान देते हैं अभी आपको। देखो भले ही व्यक्ति आपके कॉन्टैक्ट में नहीं है बट ये आपको चेकआउट ज़रूर कर रहे हैं, ये आपको देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में आपकी ओवरऑल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, भले आप इनको ब्लॉक करके बैठे हो बट स्टिल ये आपके बारे में जानने में उत्सुक रहते हैं। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत इंटरेस्टेड है, क्लियरली दिख रहा है। आप इनकी लाइफ में इनके फैमिली हो और ये फैमिली बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आई नो ये व्यक्ति अपने प्रायोरिटी में अपनी फैमिली और दूसरे लोगों को ज़्यादा रखते हैं बट स्टिल आपके जो बीच में दूरियां आई हैं आप दोनों के बीच में, इससे इनको ये रियलाइजेशन आया है कि आप भी इनके लिए उतने ही महत्व रखते हैं जितने इनके लिए बाकी लोग हैं। हाँ लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है कि एक ऊपर एक टॉप पे एक कम पे
या एक सेकंड पे, आपकी कोई नंबर नहीं है, आप इनके लिए बस स्पेशल हो। और ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आप, भाई एक होता है ना कि यार ये इंसान जैसा बोलते ना, हम दोनों का जैसा भी इशू है, बट स्टिल शी या ही ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है, ये मेरे लिए मेरी जान से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस इंसान के साथ ना, मतलब मैं नहीं चाहता कि कुछ बुरा हो या इस इंसान के साथ कुछ गलत हो, ना मैं इसको लाइक बोलते ना कि मैं इसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, तो मैं इसके साथ भले रहूँ नहीं रहूँ, इस इंसान को मैं हमेशा प्यार करूँगा, क्योंकि इस इंसान ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसने मेरे को अपने जीवन में बदला है, बहुत ट्रांसफॉर्म किया है, आज जो भी हूँ वो इसके वजह से हूँ। तो वो वाली फीलिंग, एक बोलते ना ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आपके लिए बहुत है इनके मन में, ये आपकी बहुत रिस्पेक्ट करने लगे हैं। ये भले आप दोनों के बीच में आउटकम बहुत ही ड्रास्टिक गंदे लेवल के रहे हों, बहुत गंदी लड़ाइयाँ हुई हों, बट स्टिल अब इनको ये एक फीलिंग आ चुकी है जहाँ पे इन्हें लग रहा है कि यार ये जैसा भी था हमारा इशू, लेकिन इस इंसान के लिए ना मेरे मन में बहुत रिस्पेक्ट रहेगी, क्योंकि सुख दुख में कई बार ऐसी स्थिति बनी जहाँ पर बहुत सारे अपने लोगों ने ही साथ छोड़ा, पर ये इंसान मेरे साथ बना था। आज चीज़ें ठीक कर पाना तो डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं इस इंसान के लिए मरते दम तक अपने मन में प्यार रखूंगा, और जब कभी इसको, अगर इन फ्यूचर कभी इसको तकलीफ आई और मुझे एहसास हुआ, इस बात का पता चला, मैं डेफिनेटली इसको हेल्प करूंगा। ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा ब्लॉसमिंग फ्लावर की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ढेर सारे फ्लावर्स दिख रहे हैं, रेड रोजेस, आई कैन सी लॉट्स ऑफ रेड रोजेस हियर। तो यस, ये व्यक्ति आपको बहुत प्यारा सा बुके देना चाहते हैं, बहुत प्यारा सा लाइक आपको बताना चाहते हैं कि ये आपसे कितना कितना आपके लिए एक स्पेशल कनेक्शन फील करते हैं, कितना रोमांस आपके लिए फील करते हैं, कितना मन में इनके लिए लव है, कितना ये इमोशनली आपसे कनेक्टेड है। ये आपको बहुत सी लाइक ऐसा लग रहा है कि जार भरा हुआ है और जार में से पानी बहुत बह रहा है, क्लियरली आई कैन सी दैट। और वो जार इनके इमोशंस हैं जिसमें बहुत लव उमड़ रहा है, सीरियसनेस आ रही है, स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है, बट यस कन्फेशन नहीं है, आई कैन सी दैट कि ये व्यक्ति कन्फेस नहीं कर रहा है, ये व्यक्ति आपको नहीं बता रहा है कि ये व्यक्ति आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, बट यस ये आपके बारे में सबसे बहुत बातें कर रहे हैं, सबसे बहुत डिस्कस कर रहे हैं और आपकी तारीफ बहुत करते हैं, ठीक है, आपकी क्रिएटिविटी में, आपके माइंडसेट पे बहुत तारीफ हो रही है, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं। एक सेकेंड ना, मैं अब क्या करती हूँ इसको आप लोगों के लिए, नाउ आप जार को देखते रहो, मैं आप लोगों के लिए मैसेजेस निकालती हूँ, ठीक है। जितने मिले मैंने उठा लिए, ठीक है, अब मैंने नहीं देखा क्या है क्या नहीं, बस मैंने एक मुट्ठी भर निकाल के आपने इमेजिनेशन की होगी, यूनिवर्स आपको आंसर दे देगा, ठीक है। अगेन ब्लॉसमिंग एनर्जी, मैंने बोला ना कन्फेस लव, यहाँ पर ऊपर से प्यारे से फूल आए हैं, ये रिप्रेजेंट करता है आप दोनों में बहुत प्यार अब उभर रहा है, आप इनके लिए लव फील कर रहे हैं, ये आपके लिए लव फील कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में ग्रोथ आ रही है, रिलेशनशिप में ग्रोथ और फाइनेंशियल ग्रोथ भी आ रही है, दैट्स द रीजन लीव्स आए हैं। यहाँ पर एक सॉन्ग रिप्रेजेंट हुआ है, किस्सा हम लिखेंगे दिल बेकरार का, खत में सजा के फूल हम प्यार का, लफ्जों में लिख देंगे अपना हाले दिल, देखेंगे क्या जवाब आता है फिर यार का। क्लियरली आप लोगों के रिलेशनशिप में ना, चाहे बहुत उतार चढ़ाव रहे हो, बहुत लंबा नो कॉन्टैक्ट गया हो, बट स्टिल आप लोगों के रिलेशनशिप में एक फ्रेश स्टार्ट होने को है, क्योंकि ये जो रियलाइजेशन हुआ है ना, ये आप दोनों में इक्वली डेवलप्ड हो रहा है, आप भी इनके लिए दोबारा से प्यार में पड़ रहे हैं, आप दोबारा इनसे लव करने लगे हैं, ये व्यक्ति भी लव कर रहे हैं, यानी कि आप दोनों में दोबारा से प्यार शुरू होगा। सितंबर मंथ, ओके सितंबर मंथ में आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल एक्सपेक्टेड है, कोई गुड न्यूज, कुछ अबंडेंस डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है इस रिलेशनशिप में। नवंबर, ओके एंडिंग ऑफ द ईयर आप लोगों के लिए, कमिंग ईयर, अपकमिंग ईयर में, एंडिंग ऑफ द ईयर में कुछ सेलेक्टेड मंथ आपके लिए बहुत स्पेशल होंगे इस लव रिलेशनशिप में। जनवरी, बाप रे कितने महीने आए हैं, सितंबर, नवंबर, जनवरी, जून, और ऑलमोस्ट तो सही सारे महीने ही आए हैं, जनवरी है, जून है, ओके यहाँ पर शायद महीने खत्म हुए।
डू यू स्टिल लव मी, इनका क्वेश्चन है कि आप अभी भी उनसे प्यार करते हैं, इनको अभी भी एक मन में है कि यार ये इस इंसान से तो मैं बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, क्या ये मुझसे करता होगा अभी भी, क्या अभी भी इसके मन में होगा, क्योंकि इट्स बीन अ लॉन्ग गैप. आप लोगों में आराम से 8 महीने 1 साल का तो गैप आ चुका है, क्लियरली मुझे दिख रहा है आपकी एनर्जी बहुत लंबी है. दैट्स द रीज़न आपके पार्टनर अभी भी क्वेश्चन में है कि यार ये इंसान मुझसे अब प्यार करता होगा, क्योंकि इतना कुछ हो गया है. आई डोंट थिंक सो कि अब इतना प्यार होगा. ऐसे कैसे भूल जाऊंगा तुम्हें, आपको क्यों लग रहा है कि ये व्यक्ति आपको भूल गए हैं, आपको क्यों लग रहा है कि इस इंसान ने आपको भुला दिया है, अपने जीवन में नॉर्मल हो गए हैं. ये व्यक्ति आपको बता रहे हैं कि ऐसे कैसे भूल जाऊंगा यार, यू आर वेरी स्पेशल फॉर मी. और आहिस्ता कीजिए बातें, धड़कने कोई सुन रहा होगा, लफ्ज गिरने ना पाए होठों से, वक्त के हाथ उनको छू लेंगे, कान रखेंगे ये जरूरी बात. बाकी का गाना YouTube पे देख लो, आप लोगों की शुरुआत वापस से होगी, 100% 200% होने वाली है. बहुत जल्द आप लोग यूनियन में आएंगे, सोलमेट, ही और शी इज योर सोलमेट. यस, आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी में लिखे गए थे. हाउ मेनी सॉन्ग्स आर देयर, कितने गाने आए हैं. अब मुझे रात दिन तुम्हारा इंतजार है, क्या करूं प्यार में दीवानों जैसा हाल है, दीवानों जैसा हाल है, तुम्हारा भी इंतजार है. अगेन आप लोग डेफिनेटली वापस से एक बहुत ही ब्यूटिफुल रोमांटिक रिलेशनशिप में पैर रख रहे हैं, ठीक है. बी रेडी, ब्लॉस्टिंग एनर्जी, लॉट्स ऑफ कन्फेशन, लॉट्स ऑफ रियलाइजेशन. आप इनके लिए क्या है, इन्हें एहसास हो गया है. एंड ये एक मोमेंट था जिसकी चाहत आप बहुत समय से कर रहे थे. इनफैक्ट आप अकेले नहीं, मैं खुद एक्सपेक्ट कर रही थी कि कोई ऐसी भी रीडिंग आए जिसमें ऐसी एनर्जी भी देखने को मिले. आपके पार्टनर बहुत समय से सिर्फ नाराज, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, आपको लेकर गलतियाँ, रूठना मनाना, यही सब चल रहा था. फर्स्ट टाइम आपके पार्टनर की एनर्जी में बहुत स्ट्रांग रियलाइजेशंस मिली हैं, एंड दिस इज़ द बेस्ट एनर्जी. मैं इस एनर्जी को बहुत पसंद कर रही हूँ. एंड यस, आप लोगों के बीच में दोबारा रोमांस शुरू होने वाला है. इट सीम्स 2024 आप लोगों के लिए लकीएस्ट ईयर बनने वाला है. प्लानिंग फॉर अ सरप्राइज, आपके पार्टनर आपको सरप्राइज देने वाले हैं और ये बहुत जल्द होने वाला है. आई डोंट नो क्यों ना, जैसे ही मैंने मैसेज पढ़ा ना, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा. आई डोंट नो क्यों, तो आई डोंट नो, शायद आपको ये फीलिंग आ रही है. आप इससे कनेक्ट पर कर पा रहे हो तो क्लेम करो इस एनर्जी को प्लीज. ये बहुत ब्यूटीफुल है. विल यू मैरी मी, आपके पार्टनर आपसे शादी करेंगे. दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है. दिमाग काम नहीं कर रहा है इस वक्त, इनका दिमाग थोड़ा सा ऐसा है कि आपकी याद बहुत आ रही है. लेट गो प्लीज, चीज़ों को छोड़ दो पीछे, पुरानी बातें मत करो. हो गया सो हो गया, एक नई शुरुआत के लिए अपना मन साफ करो, ठीक है. जो हो गया उसे जाने दो, मिट्टी डालो. अब एक समय वो आया है जहाँ पर अब आपको बस आगे की ओर देखना है. दोबारा से सब कुछ शुरू होगा और प्यार से उसे शुरू होने दो. क्वेश्चंस मत पूछो, दिखावे पे मत जाओ, अपनी अक्ल लगाओ. अगर आपको लग रहा है ना ये व्यक्ति अब आपको ध्यान नहीं दे रहे हैं, रिप्लाई नहीं कर रहे हैं कमेंट का, मैसेज का, आई डोंट नो कि मैंने कमेंट का, मैसेज का, मेल्स का, कॉल्स का, दिखावे पे मत जाओ. दिमाग लगाओ कि आपके पार्टनर ऐसा कर सकते हैं कि वो आपको भूल जाएं. इट इज़ जस्ट कि आपको फीलिंग ऐसी आ रही है कि सब खत्म हो गया है, बट कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है. ट्रांसफॉर्मेशन हैपनिंग, आप दोनों में बहुत परिवर्तन आ रहे हैं. लॉट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, पता नहीं कौन सा सॉन्ग है, अचानक स्टॉकिंग यू. ये व्यक्ति आपको पैडली मैडली पागलों की तरह स्टॉक कर रहे हैं. यार दो तीन सॉन्ग्स आ गए हैं, मैं गाती हूँ, रुको. वेट, ट्विन फ्लेम जर्नी, तुम दो, आप दोनों जो है ट्विन फ्लेम जर्नी में थे एंड फाइनली आप लोग कंप्लीशन की ओर जा रहे हो. मैनिफेस्टेशन, डू इट राइट. आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि नहीं अपने पार्टनर को, प्लीज डू मैनिफेस्टेशन, बिलीव इन योर लव लाइफ. आप फेथ रखोगे तभी चीजें बेहतर होगी. यहाँ पर दो गाने और हैं. खूबसूरत है वो इतना सहा नहीं जाता, कैसे हम खुद को रोक ले रहा नहीं जाता, चांद में दाग है ये जानते हैं हम, लेकिन रात भर देखे उन बिना उनको रहा नहीं जाता. बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, मुझे इतना पसंद है. ट्रस्ट मी, ये
वीडियो के बाद मैं खुद भी सुनने वाली हूँ। दिस इज द सॉन्ग जहाँ पर मुझे बहुत ब्यूटीफुल ये लगता है। इस गाने की खासियत ये है कि द वे इरफान जो है सामने एक ब्यूटी पर्सन, एक ब्यूटी जैसे सोई हुई है, बोले स्लीपिंग ब्यूटी, उसको देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। एंड द वे ये पोइट्री, ये सॉन्ग रिप्रेजेंट करती है कि यार इस इंसान में क्या तो बात है, ये क्या है, ये आकर्षण है, ये मुझे खींच रहा है। सो मेरे को पता है बहुत ब्यूटीफुल लगता है। इवन इस सॉन्ग की ना एक लाइन है, जो मेरा हो नहीं पाएगा इस जहां में कहीं, रूह बन कर मिलूंगा उससे आसमां में कहीं, प्यार धरती पर फरिश्तों से किया नहीं जाता। क्या लाइन है, यानी कि ये इंसान मेरा नहीं हो पाया तो यार रूह बनकर मैं इससे फिर भी मिलूंगा और धरती पर फरिश्तों, ओ गॉड, व्हाट, मतलब ढूंढो यार ये गाना, प्लीज ढूंढो, आज सुनो, आप लोग एकदम पागलों की तरह प्यार में चले जाओगे। क्या गाना है, द वे इरफान देखता है, आ हा हा हा, मैं उस वाइब में चली गई, मेरे रोमांटिक एनर्जीज बढ़ रही हैं यार। क्या, व्हाट आर यू गाइस डूइंग, क्या चल रहा है आप लोगों के मन में। लास्ट सॉन्ग है, सॉरी मेरी बुरी वॉइस के लिए, आई एम रियली वेरी सॉरी, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, मैं कोई आर्टिस्ट तो हूँ नहीं, तो मैं एटलीस्ट आप लोगों के लिए वो वाइब क्रिएट कर रही हूँ गा के, ठीक है, सो बियर मी। ए क्या बोलती तू, क्या मैं बोलूं, सुन सुना आती क्या खंडाला। तो यस, आप दोनों वापस कांटेक्ट में जरूर आएंगे, वेरी 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 200%, आई से 1000% आप लोग इन कांटेक्ट, इन यूनियन आ रहे हैं, ये कोई भी होने से रोक नहीं सकता, ये होने वाला है, बी रेडी नो कांटेक्ट वालों के लिए। साल 2024 is going to be the luckiest year, definitely, ठीक है। So this is it, this is the reading, पसंद आई लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्लेम करो, और कुछ ना हो सके कम से कम यूनिवर्स को थैंक यू करो, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो, हमेशा स्माइल करते रहो, और यस, कोई और डिटेल चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन है, प्लीज़ चेक इट आउट, अच्छे से डिटेल्स गो थ्रू करो, ठीक है, जो भी डिटेल्स है सब मैंशन है, ओके, आप उस दिए गए डिटेल्स का यूज़ कर सकते हैं, स्क्रीन पे भी है, वेदर इट इज़ योर ब्रेसलेट बनवाना है, अमित सर का नंबर ऊपर है, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, चार्जेबल होती है, मेरा नंबर ऊपर है, अगर आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक अकाउंट या कोई और अकाउंट की जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है, सभी जानकारी मौजूद है, ओके, अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।